अपने अपने थॉट से गाइस आप लोग कर लो, बोलो कुछ भी बोलो मुझे। सोरो मैं थोड़ी सही बोल रहा हूं, मैं गालियां नहीं बकती, बाकी आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही थी। मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपके थप्पड़ बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये फैन खेलते हो ना ब्रो? इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास कुछ भी खेलने वेलने का, भी टाइम नहीं रहता हम लोगों के पास में। दिन भर शूट करते हैं ताकि आप लोगों को वीडियोस मिलती रहे, आप लोगों को वीडियोस पसंद आए। रियाज परमार, मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मेरे को ना बिल्कुल एक बार तुम्हारे इसमें मेरा ऑन करो ना, मैं सब पढ़ लूँ उसमें, जब मेरे को पढ़ने में वो हो रहा है। थोड़ा जोर से बोलो। ओ ओके, मेरे को लगा ज़्यादा तेज हो जाएगा। What are you doing? अभी तो मैं कुछ ही नहीं कर रही, बैठे हम लोग, सोचा आज आप लोगों से बात कर लूँ मैं, तो अभी तो कुछ ही नहीं है। आपकी वीडियोस भी अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं इसमें पढ़ूंगी एंड आपको इधर से जवाब दूंगी ना, उधर से मुझे इतना देखने में ऐसा हो रहा है थोड़ा। आपका मारने वाला सीन अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। एसएमजी किंग यूट्यूब, सॉरी आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। आप स्टडी में क्या कर रहे हो? सो गाइस आपको मैं बता दूँ, जब से मैं फील्ड में घुसी हूँ, मतलब मैंने 12th तक तो कर रखा है, उसके आगे मैं स्टडी नहीं करी क्योंकि मैं मेरा 101% देना चाहती हूँ इसी फील्ड को, तो मैंने अभी तक तो नहीं करा कुछ भी स्टडी में। आप लव गुरु चैनल को देखी है? हाँ मैंने देखा है, हमारे हिंदी है वो भी। आपकी कास्ट कौन सी है? कास्ट वास्ट का है मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे से मत पूछो। आपको तीन थप्पड़ मारते बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, बिग थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। यार क्या मारती हो आप लड़कों को? सो वो ना एकदम मतलब वीडियो के उस पर ही रहता है। और हाँ गर्ल्स अगर मोटिव हो रही है उस चीज़ से, बहुत सब होती है जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाती, मैं उनके लिए भी वीडियोस बनाती हूँ कि स्टैंड लेना सीखो अपने लिए। आपका फेवरेट यूट्यूबर यूट्यूब कौन सा है? यूट्यूबर कौन सा है? मेरा फेवरेट यूट्यूबर ऐसा भी कोई मतलब है नहीं, मतलब मैं ज़्यादा यूट्यूब मतलब मैं जानती नहीं ज़्यादा यूट्यूबर्स को, तो ऐसा भी कोई फेवरेट नहीं है मेरा।
कर रही हूँ। खाना खा लिया आपने? खाना जस्ट खा के बैठी थी, फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा लेट हो जाएंगे अपन लोग, शहर में खाना खा के। आप तो गैंगस्टर लगती है दीदी, आपके थ्री स्लैप्स वाली सीन अच्छी लगती है, आप इस गाने से भी बहुत फेमस है दुनिया में। हाँ गाइस, ये जो मेरा गाना है ना, वो थोड़ा टर्निंग पॉइंट का साइन है ना, कि मतलब ये वो कोई चीज़ है जो टर्निंग पॉइंट का रहता है। वैसे ये कि गाने को मैं बोल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ना सपोर्ट करा है इस गाने से मेरे को। दीदी जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा आवाज़ में बहुत तेज बोल दूँगा। आई लव यू दीदी, आई लव यू। कौन है भाई? ये मेरा भाई है, मोहित 020 यूट्यूब है इसका चैनल, मतलब ये भी एक्शन बनाता है, जाओ विजिट करो अकाउंट को। आई लव योर वॉइस भी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लव गुरु के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? सबकी अपनी अपनी अलग अलग टीम्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मिलते जुलते रहते हैं एक दूसरे से आपस में, तो सबकी अपनी अपनी टीम है। दी आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो आप दीदी? मैं कुछ नहीं कर रही, आप लोगों से बात कर रही हूँ अभी तो। मैं हूँ कमलेश जाट, यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। गुड जॉब भाई, गुड जॉब। इंस्टा पे आके कमेंट करो तो जयपुर के बंदे। हाँ जयपुर के बॉयज है वो, इंस्टा पर जाकर कमेंट करो। प्रोफाइल मेरे आपको इसमें ना मिल जाएगी। कमेंट नहीं, मैसेज करो। आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सारे आ गए ऐसे। अरे दी आप एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो, आई एम बिग फैन, थैंक यू सो मच। आई लव योर स्लैप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फैमिली अपना ना इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, वहाँ पे मेरे मतलब हाँ मतलब समझ गया है वो पेज, समझ गए ना आप तो। मतलब मेरा इंस्टाग्राम पे भी मेरी ना है आईडी है, मतलब ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी है, तो और उसका लिंक ना मैंने इसमें अपने बायो में डाल रखा है, तो जाओ इंस्टाग्राम वीडियोस भी विजिट करो, आपको उधर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऐसे ही बोल देना है, वैसे ही बोल दे एक बार आईडी का नाम। हाँ मेरी आईडी का नाम है nehu_tower143, nehu_tower143। सो गाइस पहली बार लाइव आई हूँ, जितना पता नहीं है तो आप दिल पे मत लेना कोई भी बात। पीछे आपकी मम्मा है, यदि आपकी मम्मा है क्या पीछे? मम्मा जी अपनी शक्ल दिखा दो, ए मम्मी को देखा। तो ये है मेरी मतलब ये इन्होंने पैदा करा है मेरे जैसे शेरनी को। सबको राम राम, नमस्कार सबको, खूब बच्चों का सपोर्ट करो आप लोग। गाइस यही है मेरी मम्मा, सो क्यूट योर मदर। मम्मी तो यार सबकी अच्छी होती है, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, मम्मी सबकी अच्छी होती है। दीदी आपसे मिलना है प्लीज़, तो गाइस आ जाओ ना मिलना है। रहने देना विदाउट फिल्टर, उनको पता तो लगे मेरी, नो फिल्टर रहने वही। अरे यार उसमें वैसा हो जाएगा, गाइस आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसी हूँ, तो मैं ऐसी हूँ नेचुरली, बहुत ज़्यादा बोली हुई हूँ। नहीं नहीं ऐसी नहीं है, अच्छी है। आपकी शादी हो गई? भाई मैं बच्ची हूँ, क्या बोल क्या रहे हो, मेरी अभी से कहाँ शादी, मैं तो 50 साल तक नहीं करूँगी शादी में। अरे फिल्टर क्यों चेंज कर रहे हो? ये कर रहा है गाइस, मैंने इसको पहले ही मना करा था मत लगाना फिल्टर। हाय नेहा तंवर जी, हेलो ब्रो, हेलो जी। एक बार रैपिड की रफ्तार दिखा दो लाइव में। हेलो क्या हाल है बीबी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू सो मच। आप बिना फिल्टर के ही बहुत प्यारी लगती हैं, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बस यही वाला प्यार चाहिए गाइस आपका, सच्चे बता रही हूँ, बहुत आगे चलेंगे दोनों साथ में। और मैं कैसा लगता हूँ? दीदी आप रियल लाइफ में तो कूल हो। हाँ जी, तो क्या आपने मुझे क्या वो ऐसा गैंगस्टर टाइप का, मैं चलते फिर तो क्या मुक्के उक्के मारती हूँ क्या यार, मैं भी आप जैसी हूँ, बहुत सुंदर सुशील एंड
जी आप फिल्टर बहुत क्या है दीदी जी, आप फाइव बहुत अच्छा लगता है, फिल्टर फिल्टर निकलता है आप लोग, थैंक यू सो मच ब्रो जी। आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे आता है 4 तारीख को, अब अगली बार ना याद रखना मेरा बर्थडे 4 तारीख को आता है, सबके साथ विश कर देना 4 अगस्त को। मैम आप गुजर हो? नहीं मैं गुजर नहीं हूँ, मैं तवर हूँ, मेरा तवर मतलब मेरा सरनेम है। दीदी हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा, बस यही चाहिए फैमिली, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग साथ दो, मेहनत में एकदम आखिरी दम तक मेहनत करूँगी, बस आप लोग ऐसे ही साथ दो। दीदी आपको कॉन्ग्रेट्स मत मिलेगी, थैंक यू सो मच। तो तो फैमिली पहले तो ना आप लोगों की सच में दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया बोल रही हूँ, अगर आप आपका भाई क्यूट है जो भी ये बोल रहा है जाओ इंस्टाग्राम पे its_0200 तो फैमिली पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आपने सिर्फ मेरे को 2 महीने में आपने इतना ज्यादा सपोर्ट करा है। एक सेकंड में थोड़ी सी बात तो कर लूँ, कमेंट्स बता रहा हूँ, मैं पहले बात तो कर लूँ उसके बाद कमेंट्स बता रहा हूँ। तो फैमिली पहले थैंक यू सो मच कि आपने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर इतना ज़्यादा सपोर्ट करा कि मेरे 1 मिलियन हो गए। सच में हम बिल्कुल भी ना सोच भी नहीं सकते थे माइंड में कि मतलब 2 महीने के अंदर मेरे 1 मिलियन हो जाएगा, हमारे लिए तो इतना एक ड्रीम नहीं होता कि भाई बहुत बड़ा ड्रीम है कि 2 मिलियन कैसे हो, मतलब 1 मिलियन कैसे होगा। अभी तो 2 मिलियन की तरफ जा रही हूँ, उसके लिए भी मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, और जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आप प्यार भी दे रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सच्ची बता रहे हो। आपके भाई से मेरी सेटिंग करा दो। अरे इसको ऐसे मत बोलो, ये फिर ना ऐसा हो जाता है नहीं, मतलब थोड़े तवर तो राजपूत होते हैं ना। हाँ गाइस शायद वही होते हैं, वही होते शायद, क्या मतलब वही होते हैं, कमेंट रुक ही नहीं रहे यार। और ना एक एक चीज आ रही है, तवर तो राजपूत होते हैं, तवर तो कितने सारे लोग होते हैं गाइस, हिंदू है, बाकी हमें पता नहीं, हम हिंदू दोनों में से सुंदर कौन है? अभी बताओ कि दोनों में सुंदर कौन है, आज फैसला हो ही जाए। मैं बस बाल नहीं बना रहा था, मेरे बाल बिगड़े पड़े हैं। तो मैं भी ऐसे हो रही, मैं भी मेकअप नहीं कर रही थी ऐसे, तो आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, ब्रदर ही है, ब्रदर ही है। मैं एक आ गया ज्योति को, ज्योति को आया हुआ है, ब्रदर ही है। और आ जान दो अभी भैया, आप भैया दी 50-50 है ना, ठीक है, मैं 50-50 की वीडियो बना दी, तू मेरे को पढ़ ले लो, मैं बता रहा हूं ना, आप मैं सेलेक्ट कर रहा हूं कमेंट्स। आई लव यू दीदी, आई लव यू टू। आप कहाँ रहते हो दीदी बताओ? गाइस मैं जयपुर में रहती हूँ, जयपुर राजस्थान से हूँ मैं, जनता नगर राखड़ी। मम्मी जी आपको नमस्कार कर रही है, बीटीएस आ रहे हैं। नमस्कार नमस्कार, खुश रहो हमेशा, दीदी सुंदर है। हाँ थैंक यू सो मच, मुझे पता है वैसे तो।
इंस्टा पे कितने फॉलोवर्स है? इंस्टा पे गाइस मेरे 2 लाख है, पर वो इनफ नहीं है। तो किसी की गाड़ी गिरा दी बाहर गए ने। लाइन कब तक रहोगे? पानीपत से भी सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बीटीएस आर्मी दीदी, मैं बेंगलुरु पंजाब से हूँ, थैंक यू सो मच। दीदी आपकी वीडियोस देखी है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, लव यू, थैंक यू सो मच फैमिली। बस आप लोगों को और गर्ल्स को मैं ना मोटिव करने के लिए कुछ इस टाइप की वीडियोस बनाती हूँ, ताकि सब खुद के लिए स्टैंड ले पाए। और ये भी नहीं बोलती कि मैं गलत, जैसे लड़कियाँ जो कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जो मतलब बॉयज़ वगैरह एक साथ गलत करती है, लाइक मैंने देखी है बहुत सारी वीडियो, जैसे स्लैब वगैरह मार देती है कोई काम वर्कर्स को, वो चीज़ भी गलत है। साइड में किसी की भी नहीं लूँगी, बट सही के साथ सही करो यार, गलत के साथ गलत करो, बस ये समझाना चाहती हूँ। हम पाकिस्तान से और आपकी डेली वीडियोज देखते हैं, थैंक यू सो मच फैमिली, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये इसकी आईडी है, क्या है तुम्हारी आईडी बताना? इट्स सुनील 143। इसकी आईडी है its._sunil143। ये आईडी है इसकी। YouTube चैनल कैसे बनाते हैं? YouTube चैनल यार वो तो आप ईमेल आईडी से। मैं नेपाल से हूँ दीदी, थैंक यू सो मच गाइस, आप इतनी दूर दूर से इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना सिल्वर बटन आ ही चुका है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियोस वगैरह डाली है आपने देखा ही होगा, हम तीनों का सिल्वर बटन आ चुका है, वो सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से आया है, वरना ये मेरा है सबसे बड़ा है। हाँ तो ये तो बहुत बड़ा है हमारे लिए कि भाई सिल्वर बटन भी आ चुका है हमारा, कभी ड्रीम हुआ करता था, आज हमने हकीकत कर दिया। और मेरा तो गोल्डन भी आने वाला है बहुत जल्दी, भी हो जाएगा थोड़े दिन में, अभी तो हुआ है 1 मिलियन। मैं जयपुर से हूँ दीदी, मैं काशीपुर से हूँ, थैंक यू सो मच। जयपुर के बॉय तो जाकर इंस्टाग्राम पर करो मैसेज करो मैसेज, जो इंटरेस्टेड है वीडियोस बनाने में।
सबसे बड़े तो आपके भाई के बाल है, तो ये कटवाता ही नहीं है, क्या करें हम, इसके बाल ही खास है। अभी आज वो ये बोल रहे हैं ना उसको दिल से भाई धन्यवाद जो मेरे बाल पे लॉक कर आया था। हमसे मेरी तबीयत खराब हो गई गाइस लाइव आई में आज आपसे। मैंने सोचा कि 1 मिलियन पे मैंने अभी तक कुछ करा भी नहीं है। फर्स्ट बात तो ये कि अभी तक मेरा गोल्डन बटन नहीं आया, उस पर्पज से भी नहीं मैंने करा। दूसरी बात ये कि मेरी अभी तक फर्स्ट इनकम भी नहीं है, तो मैंने उस वजह से भी नहीं करा। मैं आपको दोनों वजह बता दी, शर्माने की कोई बात नहीं, अभी नहीं थे पैसे बिकॉज मेरी अभी फर्स्ट इनकम आई भी नहीं है उनसे, तो मैंने नहीं करा। लेकिन बहुत जल्द करूँगी, सेलिब्रेशन भी करूँगी गोल्डन बटन के साथ, एक मस्त सी फोटो भी डालूँगी, बहुत सारा प्यार दिखाना उनके भी, और वो सब ना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से पॉसिबल है। लेकिन अपना सफ़र यहीं तक का नहीं है फैमिली, मुझे बहुत से भी बहुत ज़्यादा आगे जाना है अभी, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है यार, क्योंकि मेरा ड्रीम यहीं तक का नहीं था कि मैं 1 मिलियन करके बस रुक जाऊँ, क्योंकि रुक जाऊँ क्यों रुकना है भाई, वही तो मेरा ड्रीम बहुत आगे भाई। सच में 2 दिन से छुट्टी कर रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, सोच छुट्टी कर दूँगा, बाकी मैं बहुत सीरियस हूँ। तो जहाँ तक मैंने कमेंट पढ़े ना, गुजरात की पब्लिक ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो ना आप लोगों को सच में दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे किटवा कर दिया, अरे भैया मेरा नाम सुनील है, मेरे को देखना कैसे बोल रहे, जैकेट बोल क्या हूँ क्या दीदी, आपकी मोम को बहुत सारा लव यू। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू, लव यू बोल रहे हैं आपको सब, राजस्थान की पब्लिक बहुत सपोर्ट कर रही है आपको, थैंक यू सो मच यार। राजस्थान से बाहर पहुंचाओ वीडियो, अब राजस्थान के हैं, राजस्थान की पब्लिक को तो सपोर्ट करना बनता है ना, कि वहाँ की एक लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, सपोर्ट करना तो बनता है फैमिली। हाँ हाँ ज्योति राजपूत, आप आइए हमसे मिलिए। दीदी ये छपरी ब्लू जैकेट में कहाँ से आ गया, तो भाई इसको हटाओ फेंको मैं लाइव में, फिर खाइए लाइव में, और मार लो थप्पड़ गाइस। अधिकतर काम लेकिन कैमरे के पीछे रहता हूँ मैं, क्योंकि कैमरा मैं चला रहा होता हूँ, इसलिए मेरी तुम तारीफ कर दो यार। हेलो भैया, हेलो, पहचानती तेरा नाम तो नहीं। आप कितने कमाते हैं? सो मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट तो जान दो तुम दोनों। तो गाइस कमाने का तो ऐसा है कि अभी तो मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट हुई तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, फ्यूचर में जब कमाने लगूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो कुछ ही नहीं कमा रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत हुई थी चैनल, वो भी 17 पूछ रहा है। मैं बताती हूँ चैनल की शुरुआत कैसी हुई थी, बात कुछ ऐसी थी कि हम इंस्टाग्राम में लीन थे, हम 2 साल से प्रॉपर मेहनत कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, बट कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा था, मम्मी कुछ भी ना सपोर्ट मिल नहीं रहा था, है ना, क्या कहते हैं, तो फैमिली में 2 साल से ना इंस्टाग्राम पे काम कर रही थी, मुझे कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था वहाँ से, मतलब 2 लाख कर लिए जहाँ तक का ठीक है उस टाइम पे जब हम काम कर रहे थे ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे तो ज़्यादा क्रेज नहीं था, तो 2 लाख उस टाइम पे हो गए, बढ़िया काम भी बहुत अच्छे से करा, लेकिन अर्निंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसा कि आप सब भी जानते हो। तो मैं जॉब के साथ इंस्टाग्राम हैंडल कर रही थी, मैं जॉब भी करी थी बहुत टाइम से, जॉब तो बहुत टाइम से कर रही हूँ मैं, तो उसके बाद में जब मैंने जॉब छोड़ी तो ये मेरा भाई है ना, इसने एक दिन मेरे को सजेस्ट किया कि अपन यूट्यूब पे काम स्टार्ट करते हैं, वहाँ से अर्निंग का रहता है थोड़ा बहुत। जब इसने बोला कि यूट्यूब पे काम स्टार्ट करते, तो पहले तो हमें ऐसा बहुत हुआ कि यार जॉब भी छोड़ छोड़ के काम करें और फिर पैसा भी ना आए, क्योंकि जॉब भी 15-20 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे थे उस टाइम पे, तो एक हो जाता ना डर बैठ जाता है मन में कि यार छोड़ दिया तो क्या होगा। तो फिर भी हमने दिल पे पत्थर रख के सब ने जॉब छोड़ी, मेरा जितना भी ग्रुप था ऑलमोस्ट बंदे काम नहीं करते थे, हम 3-4 बंदे काम करते थे, हम तीनों चारों ने जॉब छोड़ी और यूट्यूब पे काम स्टार्ट किया।
यूट्यूब पे काम स्टार्ट करने के बाद में मतलब आधे महीने तक, मतलब 15 दिन हो सकते हैं, 15-20 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था, बहुत व्यूज वगैरह कम आ रहे थे। फिर एक वीडियो मेरी गई थी भगत आदमी पे, मतलब ये जो भगत आदमी है सच्ची बता रही हूँ, टर्निंग पॉइंट था यूट्यूब की, मैं अगर बोलूँ शॉर्ट्स चैनल पे तो भगत आदमी सॉन्ग की वजह से एक वीडियो गई, तो फिर मैंने उस पर डालना स्टार्ट करा, तो धीरे 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 आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दिया कि सिर्फ 2 महीने के अंदर, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर आज मैं 1 मिलियन फैमिली साथ में मेरे, तो आप सोच सकते हो। पब्लिक लंबा ब्लॉग मांगी है, आपको लॉन्ग ब्लॉग्स चाहिए तो उस पर भी काम करूँगी, बट अभी ना गाइस ना थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, सेम मेरा ब्लॉगिंग वाला चैनल भी है, तो आप वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट डाल रखा है मैंने, सब्सक्राइब कर सकते हो जल्दी, इसका कोई ब्लॉग आएगा बढ़िया सा। हाँ मेरी फर्स्ट इनकम आई गया, क्या पता वन उसका 1 मिलियन का गोल्डन बटन का हो सकता है, सेलिब्रेशन का शायद आ सकता है, तो जाओ आप सब्सक्राइब कर लो, जितनी पब्लिक अभी लाइव देख रही है फटाक से नहीं आ गाइस, वहां पे ना मैं ऑलमोस्ट डेली व्लॉगिंग, डेली मिनी व्लॉगिंग भी करती हूं, तो आप लोगों को वो भी एक चीज है कि मैं डेली जो मिनी व्लॉगिंग करती हूं वो देख सकते हो कि मैं कैसे रहती हूं, वैसे तो बहुत ज्यादा रिच नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है, बट फिर जो भी है ना वो आप देख सकते हो वहां पे, मैं मिनी व्लॉगिंग करती हूं, और अगर आप लोग बोलोगे तो डेली मिनी व्लॉगिंग जरूर से स्टार्ट कर दूंगी, आपके जैसा बनना चाहती हूँ, जरूर मेरे जैसा बनो, प्लीज स्टैंड लेना सीखो, आप जो हो वैसे ठीक हो, किसी के जैसा मत बनो, अपने आप पे मत करो, बकवास करता है गाइस। आप छपरी भी बोलते हो ना तो उसमें भी हमें तो प्यार लगता है, आप प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच बंगाल की पब्लिक और बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश बिहार गुजरात नेपाल नेपाल सॉरी और ओडिशा और यहाँ राजस्थान की, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बुलाओ कभी पाकिस्तान में हमें भी, बंगाल में जाके, बंगाल तो राजस्थान में जा सकते हैं, अच्छे लगते हैं, और अपने जो आप लोग समझ गए ना, बस मैं वही बोलना चाहती हूँ, जो भी है मैं उनको दिल से सपोर्ट करती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनके गाने सुनती हूँ, और भी बहुत सब है यार, जैसे कि मैं मोटिवेशनल गाने तकदीर गाना में बहुत ज्यादा, आंटी जी आपको नमस्ते, वरना दीदी के पास जाओ तो थप्पड़ खाने को मिलेगा, नहीं नहीं ये बेटी है मेरी, गाइस आप भी अपने घर वालों को मारते हो क्या, सोच समझ के तो बोलो, आप बोल क्या रहे हो, नहीं बेटी है, बेटी है, कभी माँ को मारती है क्या, नहीं मारती ना, कभी नहीं मार सकती, क्यों धक्के दे रहे हो, हाँ तू साइड में आ, मम्मी तो इधर आ, बोलने ही नहीं दे रहा मेरे को, हद है मोहित, मेरी बेटी भाई मेरे को बहुत प्यार करती, बहुत प्यार करती, क्योंकि मेरे को पैदा करने के लिए, मतलब मेरे को इन्होंने पैदा किया है, मेरी जैसी शेर नहीं बैठी, तो तुम्हें तो कैसा लगता है तेरी बेटी इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज बनाती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मार लगता है यार, ऐसा हर लड़की को बनना चाहिए, नेहू के जैसे हर लड़की होनी चाहिए ऐसे, रंग तो पैसा आने के बाद साफ होने, नहीं रंग तो भगवान का भी काला था, कृष्ण भगवान जी भी काले थे, अंदर आ गए हम ये तो, अरे ये बैठा है ना कालो, पंजाब से टाइम है, मैं भी
पंजाब की हूँ, सबको पंजाब से सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सारा नु, तो मेरे को भी सबको पंजाबी आती है। क्या लिख रहे हैं आप? लघु से आगे निकल जाएंगे। जो भी फैमिली सब अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी मेहनत है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगी। वो भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हम भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो और कुछ आने वाले तो आप ही हो, हम तो आप पे विश्वास करते हैं बहुत बहुत ज्यादा। आंटी जी आपकी बेटी बहुत पसंद है। हाँ हाथ मांग लो तुम। अरे यार क्या यार, आंटी जी आपकी बेटी बहुत पसंद है, आ रहा है रिश्ता। अच्छा। नहीं नहीं अभी रिश्ता विश्ता तो नहीं चाहिए। अभी तो बेटी को बहुत कुछ करना है आगे जाके। हाँ जी, अभी तो बहुत बड़े सपने भी है। बहुत तरक्की करो। थैंक यू सो मच। बेटे का हो तो कोई बता देना। इसका कोई हो तो बता देना, इसका तो करना है। रोटी पकाने वाली चाहिए ना। अब दूसरी रोटी पकाने के लिए आएगी मम्मी? दो रोटी बनानी, एक मोहित खाता है एक मैं खाती हूँ। समझ सकता है ना तू? बिल्कुल नहीं भाई, कभी नहीं। आपकी मम्मी कितनी अच्छी है जो सपोर्ट करती है, मेरे यहाँ कोई नहीं करता। कहते हैं कि बस स्टडी करना है। हाँ वही स्टडी करने की चीज़ के मना कर देते हैं। और पता नहीं बहुत बड़ा था ऊपर चला गया। तो फैमिली देखो, मैं ये चीज़ तो बोलना चाहूँगी, मेरे घर वालों ने मुझे स्टार्टिंग से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। और जो भी उन लोगों ने, क्योंकि बिकॉज मुझे पता है लड़कियों को ज़्यादा बाहर बाहर नहीं निकलने देते, और मेरी तो सारी वीडियोज़ ही लड़कों के साथ आते हैं, लेकिन गाइस मेरे घर वालों में बहुत विश्वास है। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं खुद भी अच्छी हूँ। वैसे मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लड़कों वर्कों में, क्यों किसी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं खुद के काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हूँ ना। तो वही है, बचपन से गाइस गरीबी देखी, अब पैसा देख रहे हैं, बस इतना सा बात है। गरीबी बहुत ज़्यादा देखी है, अब बस इसी में ध्यान देना है। गरीबी में क्यों ध्यान देना, गरीबी मरेंगे क्या? गरीब पैदा होना गुना नहीं है, गरीब मरना गुना है, समझे? तो पैदा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मरो मत। आपके पापा मेरे पापा काम पे गए हैं, फैमिली हमारे पिताजी काम पे गए हैं, मम्मी भी जॉब पे जाती है तो, लेकिन मम्मी की आज छुट्टी है, मतलब आज उन्होंने छुट्टी करवा दी। आज मैंने छुट्टी करवा दी मम्मी की, आज घर रुको। और आज मैंने भी शूट की छुट्टी कर ली, मैं गई नहीं थी। आप हिंदू हो गया? हाँ जी मैं हिंदू हूँ, और मैं हिंदू ही हूँ। आप मेरी दीदी बनेंगी, मैं सबकी दीदी हूँ, और वो जितने भी है मैं सबकी दीदी हूँ। आपका प्यार देखे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे को खेवड़ी घर वालों को तो सारे ही, खुद के वालों को तो सभी अच्छे लगते हैं। क्योंकि मेरा लाइफ में लग रखा है। अरे यार इससे ज्यादा गरीब है ना, कि समझने में आ रहे तो दो बहुत तीसरा कर लो। तो गाइस ये मजाक था, जा सीरियस मत लेना कि हम पैसों को लेकर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमने किस्तों में खरीदे हुए हैं, किस्तों में खरीदे हुए सारे, सबकी किस्तें चल रही है। साफ साफ बोलना, साफ कहना, सुखी रहना। वो थोड़ा सा मेरे को ये वाला फोन दे यार, मैं पढ़ लूं। गाइस गरीब है कुछ
साइज में जयपुर राजस्थान से हूँ। और बहुत ज़्यादा क्यूट हो यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुम्हारा एडिटिंग वीडियो अच्छा नहीं लगता ऐसा का? चलो कोई बात नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं, फिर भी एडिटिंग तो मारना ही पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, मतलब अच्छा नहीं लगता, अब क्या कर सकते हैं। ये आपका थप्पड़ बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। दीदी आपकी वीडियो देख के हमारे अंदर पावर आ जाती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो भी मेरी छोटी बहन है और जो मुझसे बड़ी बहन है, मैं सबके लिए वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोग मोटिव हो यार कि कोई साला देख तो कैसे ले आँख उठा के, वो वाली चीज़ होनी चाहिए। मैं वैसे इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा डेंजर टाइप की नहीं, गर्ल्स होती उस टाइप की, मेरी कभी किसी लड़के से ऐसे लड़ाई हुई भी नहीं, भगवान करे कभी होगी ना, पर मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ खुद में, मैं अपनी चीज़ों को ना खुद से हैंडल कर सकती हूँ। और फिर क्या ज्यादा माथा फाड़ के आ जाओगे, बाकी तो पीछे बैठे ही संभालने वाले। एक बार तुम कोई तुम्हारे को गंदी नजर से देखे भी ना तो उसका माथा फाड़ के आ जाओ, बाद में घर वाले तो रहते ही है पीछे। ये चीज है क्यों ज्ञान गंदा दे रही है ना मम्मी, सही बात है ना, सही है। कोई तुम्हारे को गंदी नजर से देख रहा है, कुछ भी बोल रहा है फोन में बिजी नहीं हूँ मैं, आप ही लोग के वो कमेंट्स पढ़ रही हूँ इधर फोन में, बिल्कुल बिजी नहीं हूँ यार मैं, मतलब मैं इधर पढ़ रही हूँ उधर जवाब दे, इधर से गाना सुनाओ पढ़ने। अच्छा गाना सुनाओ, कौन सा गाना सुनाओ, वो भी अभी जल्दी से लिखो कि मैं कौन सा गाना सुनाऊँ, मेरी आवाज़ तो वैसे बहुत अच्छी है तो आप जल्दी से लिखो मैं कौन सा गाना सुनाऊँ, फिर वही सुनाती हूँ। कोई अच्छा सा बता दो जो आप भी जाइए भगत आदमी, तो समय अच्छा लगता है उसमें, अच्छा लगता है गाऊंगी तो अच्छा लगता, दुनिया बदमाश बड़ा दीना मैं भगत आदमी था, मतलब मजाक में था थोड़ा, ऐसे गाने मैं सुनती नहीं हूँ, वो तो YouTube पे डालती हूँ यार, ये लोग समझ सकते हो आप लोग। तो फैमिली अभी बहुत देर हो गई, 12 बजे आई थी और 1 बजने वाला है, तो आज का लाइव हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। तो ये चारों को देख सकते हो कैसे लग रहे हैं फैमिली अंदर। तो गाइज आज का लाइव हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतने सब आप लोग आए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये मेरा 1 मिलियन हुए थे इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी बात आप लोगों से कर लूँ, लेकिन अब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती रहा करूँगी। और मेरे व्लॉगिंग वाले चैनल पे भी ज़्यादा सपोर्ट करो, इंस्टाग्राम पे जाके भी सपोर्ट करो, बिकॉज वहाँ पे मुझे उतना रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, पर आप लोगों पे पूरा विश्वास है। यूट्यूब पे आप जल्दी से जल्दी 2 मिलियन भी करवा दोगे, और बाकी तो यार दिल से लव यू, और मोहित को भी सपोर्ट करो, इधर आके बोला करो मम्मी बाहर से ही, मोहित को भी सपोर्ट करो अच्छे से, इसको भी देखो कुछ, ये बेचारे को बेचारा बेचारा ही है, इसको अच्छे से सपोर्ट करो, आपका प्यार की जरूरत है इसको भी। सो फैमिली जो भी है आप लोग ये देखो गाइस, हमें ये सब है इसका, इसलिए पता है मैं लाइव अकेला आना पसंद करता हूँ, मेरे घर वाले कुछ जाते लाइव में अच्छा लगता है सबसे बात करना। तो जो भी है गाइस लव यू सो मच, लव यू सो मच, और ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, आगे भी अच्छे अच्छे धमाकेदार वीडियोस आती रहेगी, जो मुझे प्यार करते हैं उनको भी धन्यवाद, जो मुझे प्यार करते हैं सपोर्ट करो, अच्छा सपोर्ट करो, बहुत बहुत प्यार, तुम्हें लोग बोल यार मैं चुप हो जाती हूं।
गाइस ऐसा करते हैं फटाफट से प्यारा बहुत सारा प्यार दो, फिर कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हम लोग, कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे। तो लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्यार देना पड़ेगा व्लॉगिंग चैनल पे, सभी के अकाउंट पे सबसे ज़्यादा, मतलब सभी के अकाउंट में प्यार दो। हम जो भी हम टीम मेहनत कर रही है और जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं सब पे प्यार दो, फिर कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और वो प्रोजेक्ट आपके सामने लाएंगे। और गाइस आप मुझे ये बताओ कि मैं इसी वाले चैनल पे व्लॉग व्लॉगिंग करूं या नहीं करूं, वो सब मुझे सजेस्ट करना कमेंट। और हाँ एक चीज और, जिसने दादा अभी तुमने सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन किसी ने भी ऑन नहीं कर रखा, तो जाओ नेहा का अकाउंट चेक करो और सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन करो। वहाँ पर जाकर आपने सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं है। अगर नोटिफिकेशन ऑन करते हो तो नेहा अगर इसी चैनल पे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लाई है तो आपके पास पहुँचेगा और आपके फीड पे देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले लेकिन उसके लिए कुछ मत करो, आप जाओ अभी टैप कर दो और जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लो फटाक से, जल्दी जल्दी जाओ और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में, और ऐसे इतना प्यार सपोर्ट दिखाते रहो और जल्दी जल्दी 2 मिलियन करवाओ ताकि मैं वापस से जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग करूँ। तो थैंक यू सो मच, आए आपने अपना कीमती टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये बताना, हाँ मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगी कि मेरे को इसी वाले चैनल पे लॉन्ग व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं। तो आप जो भी हो, जैसा भी आपकी मन की इच्छाएं हो, आप सब व्यक्त करना। और बाकी मैं शुद्ध हिंदी का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। आपका फीडबैक उस पोस्ट के ऊपर देना जितना भी हो सके। मैंने भी वही बोला, पोल वाला नहीं डालू, कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी पोल के अंदर। हाँ पोल के अंदर, यस या नो, पोल होता है। I don't know. नहीं होता गाइस, आप तो कमेंट कर करके बताना कम्युनिटी पोस्ट पे कि डालना चाहिए या नहीं। हां नोटिफिकेशन ऑन कर लो फटाक से और इसको यही एंड कर दे। बाय, लव यू ऑल।